जैसे नीतीश कुमार को यह नहीं पता कि अपहरण का आरोपी कैसे कानून मंत्री बना दिए गए, वैसे ही देश की राजनीति में लोकतंत्र का एक और लापता गंज पता चला है, जहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के नाम पर फ्लैट देने की योजना कौन बना रहा है पता ही नहीं चल रहा। रोहिंग्या मुस्लिम जो शरणार्थी के तौर पर दावा होता है कि रहने आए लेकिन अवैध रूप से देश के कई हिस्सों में बस गए, उन्हीं रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देकर बसाने की योजना की बड़े हर्ष उल्लास के साथ ऐलान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि रोहिंग्या को बसाने की मांग तो दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने की थी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि रोहिंग्या पर दोहरा रूप तो बीजेपी दिखा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे का आरोप जिन रोहिंग्या मुसलमानों पर लगा, देश के कई हिस्सों में अशांति के पीछे जिन रोहिंग्या मुस्लिमों को जिम्मेदार बताया गया, सेना के कैंप तक पर आतंकी हमले के लिए जहां रोहिंग्या की अवैध बस्ती पर सवाल उठे, जिन्हें देश में माना गया कि अवैध रूप से रोहिंग्या बस्ती बनाकर रहने लगे हैं, उन्हीं रोहिंग्या को लेकर संसद तक में यह कहा जा चुका था रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं आज फिर से स्पष्ट। फिर अचानक बुधवार सुबह देश की सियासत में रोहिंग्या को लेकर हलचल मच गई। वजह बना केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट, जिसमें कहा गया भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया जिन्होंने देश में शरण मांगी। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में स्थित फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR, परिचय पत्र और दिल्ली पुलिस की 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। रोहिंग्या को फ्लैट, रोहिंग्या को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, ये बातें सामने आते ही बीजेपी संघ परिवार और हिंदुत्ववादी सोच के संगठनों के बीच सवालों का बवंडर उठा। शरणार्थी हिंदू दुर्दशा में रहे और रोहिंग्या घुसपैठियों को मकान मिले, ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध भी करते हैं और हम सरकार से ये आग्रह भी करते हैं कि वो इन शरणार्थियों को मकान देने के बजाय भारत की सीमाओं से बाहर भेजने की व्यवस्था करे। जो दावे बड़े करते थे रोहिंग्या को ला के फ्लैट भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, ये तो सीधा सीधा रेफ्यूजियों को भी उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। जो कल तक दावे करते थे इनको डिपोर्ट यहाँ पे करेंगे, आज वही सरकार वही मंत्री क्या वो जम्मू के लोगों को बताएंगे, इंसाफ दे पाएंगे कि किस ढंग से आज भी लोग सड़कों पे यहाँ पे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देकर बसाने के दो ट्वीट के कुछ ही देर में गृह मंत्रालय का बयान आया। पहले तो ये खारिज किया गया कि रोहिंग्या को बसाने वाला कोई प्लान नहीं, फिर लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी में बदल गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर LG के कहने पर अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिया। बीजेपी ने कहा कि 29 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ही रोहिंग्या को फ्लैट देकर बसाने की बात हुई थी। जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिना मुख्यमंत्री को जानकारी दिए LG की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा रहा था। केंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा डूब मरने के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको वो मुफ्त की रेवड़ी लग रही है, रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। जल्दबाजी में आनंद फानन में अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है, जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है, उसको घुसपैठियों को देना चाहते हैं। दस्तक देता सीधा सवाल यह है कि जिन रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया, वहां ऐसी नौबत क्यों आ रही है, कितने सवाल खड़े हो गए। ये बात उलझ गई कि आखिर रोहिंग्या को बसाकर फ्लैट देने की योजना कौन चाहता है। दो विरोधी दलों की सरकारों के बीच समन्वय न होना सियासत है, लेकिन केंद्र के दो मंत्रालयों के बीच रोहिंग्या को लेकर असमंजस होना चिंताजनक।
अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।